तो आपने सुना होगा कि इस कंप्यूटर में NVIDIA ग्राफिक है, इस कंप्यूटर में आपको AMD ग्राफिक मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्राफिक कार्ड क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ग्राफिक कार्ड दो तरह के होते हैं, इनबिल्ट और डेडिकेटेड ग्राफिक। इनबिल्ट वे होते हैं जो आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होते हैं, और डेडिकेटेड वे होते हैं जो आपके कंप्यूटर में एक्सटर्नल लगे होते हैं, चाहे वे मदरबोर्ड में हो या फिर आपके सीपीयू की कैबिनेट से बाहर भी हो सकते हैं। ये होते हैं डेडिकेटेड। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड की। इंटीग्रेटेड कंप्यूटर में दो तरीके से इंस्टॉल होते हैं, या तो वे मदरबोर्ड में पहले से इंस्टॉल होते हैं, या फिर आपके जो सीपीयू है उसके अंदर वो इनबिल्ट होते हैं। ये होता है इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड। जो डेडिकेटेड ग्राफिक होता है वो आपके मदरबोर्ड में लगा होता है, या फिर एक जो अलग तार के जरिए आपके मदरबोर्ड से बाहर भी लगा जा सकता है। ये होते हैं डेडिकेटेड ग्राफिक। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, उस गेम में आपके पास कई सारे सीन हैं, यानी कि मान लो आप खेल रहे हैं GTA Vice City या फिर GTA 5, उसमें आपके सामने जितनी बिल्डिंग्स हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सभी उस वक्त बनते हैं जब मान लो आप इस तरफ देख रहे हैं गेम में, जैसे आप इस तरफ घूमेंगे तो उस वक्त वहाँ पर कुछ नहीं होता, मगर वो हाथों हाथ बनाया जाता है। ये प्रोसेस इतनी स्पीड होती है आपको पता ही नहीं चलता, आप सोच रहे हैं कि ये पहले से यहाँ पर था, मगर ऐसा नहीं है। जब आप गेम में इस तरफ होते हैं तो आप इस तरफ का जितना भी जो है सिस्टम वो उसे नहीं देखता, सिर्फ उसी वक्त देखता है जब आप इस तरफ घूमते हैं। उस समय ग्राफिक कार्ड वहाँ पर जितनी भी चीज़ है, चाहे पेड़ हो, पौधा हो या फिर कोई गाड़ी हो, उन्हें उसी वक्त बनाता है। ये होता है ग्राफिक कार्ड का काम। अब ग्राफिक कार्ड के वैसे कई काम होते हैं, मगर ग्राफिक कार्ड मोस्टली गेमिंग में, वीडियो एडिटिंग में, फोटो एडिटिंग में ज़्यादा काम आते हैं। अब देखते हैं, बात करते हैं ग्राफिक कार्ड क्या काम करता है। मान लो आपके पास कोई डिस्प्ले है, वो कई सारे पिक्सल्स के कारण आप उसके अंदर कोई तस्वीर देख पाते हैं। CPU का काम होता है ग्राफिक कार्ड को ये संदेश भेजना कि तुम्हें इसमें ये पिक्चर्स जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे इसमें डिस्प्ले करना। ग्राफिक कार्ड उसे कई सारे पिक्सल्स जो आपके डिस्प्ले के अंदर होते हैं, जिन पिक्सल्स कई छोटी छोटी लाइट्स होती हैं जिन्हें मिलाकर एक बड़ी फोटो बनाई जाती है। ग्राफिक कार्ड उन सभी लाइट को कंट्रोल करता है, उन्हें सिग्नल भेजता है कि तुम्हें इस कलर में आना है, तुम्हें इस कलर में। ग्राफिक कार्ड उन्हें एडजस्ट करता है, उनकी ब्राइटनेस चेंज करता है। ये होता है ग्राफिक कार्ड का काम, और वो ग्राफिक कार्ड आपकी फोटो एकदम स्मूथ बनाता है, जिससे आप उसे और आसानी से और बेहतरीन क्वालिटी में देख सकें। और अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। ग्राफिक कार्ड आपको DDR2, DDR3, 4 या 5 जनरेशन तक देखने को मिल सकते हैं, या आपको कई अलग अलग वेरियंट मिलते हैं। बात करते हैं ग्राफिक कार्ड के अंदर क्या होता है। ग्राफिक कार्ड के अंदर उसका खुद का CPU होता है, उसकी खुद की एक रैम होती है जिसके जरिए वो सारे काम पूरे करता है। ग्राफिक कार्ड को अगर आप देखें तो ये ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे कि आपका CPU और RAM एक साथ काम करते हैं, वैसे ही ग्राफिक कार्ड के अंदर इनबिल्ट CPU होती है, उसकी RAM होती है, ये सभी मिलकर जो काम पूरा करते हैं इसे ग्राफिक कार्ड कहते हैं। यानी कि CPU का और उसके अंदर इनबिल्ट CPU का और जो RAM लगी हुई है उसके अंदर इनबिल्ट, चाहे वो 2 GB हो, 3 GB हो, ये ग्राफिक कार्ड का होता है। वेरियंट कितने GB का ग्राफिक कार्ड है, यानी उसके अंदर कितनी GB RAM लगी हुई है ग्राफिक के अंदर, ये सारे प्रोसेस जो मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं उसे कहते हैं ग्राफिक कार्ड। आजकल बहुत फास्ट ग्राफिक कार्ड भी आ चुके हैं जो आपको स्मूथ ग्राफिक देते हैं, चाहे आप कोई भी 4K गेमिंग कर रहे हो या फिर कोई भी HDR में मूवी देख रहे हो, ये आपको एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस देते हैं, जैसे कि वो फिल्म आपके सामने ही चल रही हो, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस देते हैं। ये होते हैं ग्राफिक कार्ड का। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल चुका है ग्राफिक कार्ड क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।